हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जय कोचिंग क्लासेस पे। आज की क्लास में लोग क्लास इलेवंथ के लिए डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। डेरिवेशन है हमारा, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। तो चलिए इसी को समझते हैं। पहले फिगर को समझते हैं। फिगर में क्या दिया हुआ है, तो फिगर में दिख रहा होगा जो बिंदु ओ है, ये सेंटर है, ये हमारा है एक्स एच, और ये ऊपर जो दिख रहा है ये वाई एच है। हमने किसी पिंड को बिंदु ओ से बिंदु ओ से हमने प्रक्षेपित किया। प्रक्षेपित का मतलब है फेंका गया। बिंदु ओ से किसी पिंड को थीटा कोण पर फेंका जाता है। जो बिंदु पी से होता है वह पृथ्वी की सतह ए पर जा गिरता है। ठीक है, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है घटक के लिए। इसके बाद हमें घटक निकालने होते हैं। दो घटक होते हैं हमारे, एक कॉस पे होता है, एक साइन पे होता है। और कॉस कहाँ पे लिया जाता है, साइन कहाँ पे लिया जाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो समझिए, यहाँ पे जिसके पास में थीटा होता है वहाँ पे कॉस लगाते हैं, पास में हमेशा कॉस लगाते हैं। अब इसका जो वेग था, वेग यू था, प्रारंभिक वेग यू से इसे प्रक्षेपित किया गया, फेंका गया, तो इसका यू एक्स तो क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थीटा इसके पास में, इसलिए पास में हमेशा कॉस लगाते हैं। और प्रारंभिक वेग यू से फेंका गया इसलिए यू आ गया। इसके बाद हमें लगा ये तो था हमारा क्षैतिज घटक। अब हमें निकालना ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक के लिए क्या हो जाएगा, यू आई इज इक्वल टू यू, तो हमारा वैसे ही हो जाएगा। अब एक कॉस यहाँ पर आ गया तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ से हमने ऊर्ध्वाधर घटक भी निकाल लिया। ये था क्षैतिज घटक और ये था ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, तो चलिए अब एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी में क्या बोला गया है कि माना कोई पिंड क्षैतिज दिशा से थीटा कोण बनाते हुए प्रारंभिक वेग U से प्रक्षेप किया जाता है, जो अधिकतम ऊंचाई बिंदु P से होता हुआ पृथ्वी के तल के बिंदु A पर गिरता है। अब इसके बाद आगे बोला है कि यथा पिंड के वेग का क्षैतिज घटक, तो अभी हमने बताया ना कि क्षैतिज घटक आपका ये है और ऊर्ध्वाधर घटक ये है, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्षैतिज घटक। तो क्षैतिज घटक में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप लिख दीजिए म्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ये है ऊपर, तो यहां से हो जाएगा यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा। लिखा तो नहीं, तो हमने दोनों घटक निकाल लिए। इसके बाद क्या बोला गया है, यथा पिंड द्वारा 30 सेकंड में चली गई क्षैतिज दूरी यदि एक्स मानी जाए, या क्षैतिज दिशा पे हमने कोई दूरी एक्स मान लिया है, तो आपको निकालना क्या है, 30 सेकंड पे चली गई दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर आप जानते हैं फॉर्मूला होता क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अब चाल की बात करें तो चाल क्या था, या बोल दें वेग बोल दें या चाल बोल दें, एक ही बात है। तो यहाँ पर चाल क्या है, तो चाल आपको निकालना है कैसे, क्षैतिज घटक पे निकालना है, क्षैतिज दूरी निकालनी है। तो क्षैतिज दूरी के लिए हम यहाँ पर यू कॉस थीटा ले लेंगे, यू कॉस थीटा, और समय हमारा कितना था 30 सेकंड में, टी आ गया, और दूरी, दूरी कैसी, एक्स अक्ष पे दूरी थी हमारी, एक्स यहाँ पर आ गया। हमें यहाँ से टाइम निकाल लेना है, तो टी बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया और थीटा। इसके बाद हम निकालेंगे 30 सेकंड में वाई एच पे चली गई दूरी, तो निकालते हैं अतः वाई एच, जैसा थे यहाँ लिखा हुआ है पिंड द्वारा, आप लिख सकते हैं अतः पिंड द्वारा 30 सेकंड में चली गई ऊर्ध्वाधर दूरी यदि y मानी जाए। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने जैसे यहाँ पर x मानी थी, और वैसे भी क्षैतिज है, क्षैतिज दूरी है तो x ही मानी जाएगी, और यहाँ पर हमारी y थी, ये y एच है, इसलिए हमने दूरी y मान ली है। तो इसके लिए हम न्यूटन का द्वितीय समीकरण लगाएंगे। द्वितीय समीकरण होता क्या है, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, हाफ ए टी स्क्वायर होता है कि नहीं होता, होता है।
अब यहाँ पर दूरी हमने क्या मानी है, y मानी है, तो यहाँ से x को हम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे y। और दूरी कौन सी हमें तय करनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी, यहाँ तो यहाँ पर ui आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर दूरी तय कर, इसलिए y आ गया, कि हमारा वैसा ही रहेगा। अब क्या हो रहा है, पिंड को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ए यहाँ पर त्वरण तो काम करेगा नहीं, पिंड है ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, तो यहाँ पर ए को हटाकर यहाँ पे हम जी लगा देंगे। वाई बराबर, अब यू वाई की वैल्यू ऊपर हमने अभी निकाली है, यू साइन थीटा, टी की वैल्यू हमने निकाली है अभी, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टू, जी हमारा ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम टी की बात करें तो टी हमारा कितना है, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, पहले ऐसा करें यू से यू हमारा कट जाएगा, तो वाई बराबर आ जाएगा साइन थीटा पर कॉस या टेन थीटा होता है, तो एक्स टेन थीटा माइनस वन अपॉन टू, जी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से निकल आया, यहाँ से हमारा सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स जो एक्स की पावर है वो दो है और वाई की पावर एक है, इसलिए ये जो समीकरण होगा ये परवलयाकार पथ को प्रदर्शित करता है। आप एक्स के आगे थ्योरी ले सकते हैं, तो यहाँ से हमारा प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है सिद्ध हो गया। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।